You are watching NTTV News Telangana Television. हैदराबाद शहर और हैदराबाद पुलिस कल से एक नए आयाम, एक नए माहौल के तहत पब्लिक के सर्विस में अपने आप को पेश करेगी। हम लोग पिछले 30-35 दिनों में लगभग 2000 लोगों को ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सोसाइटी, पब्लिक के सर्विस, सिटीजन के सर्विस को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। कल के बाद से हमारी कोशिश रहेगी कि सभी फाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल के तरफ से ऑफिस राइट फ्रॉम सिटीजन जो हमारे पास आते हैं पुलिस स्टेशन में या किसी भी ऑफिस में, वहां से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक जो भी मूवमेंट ऑफ फाइल हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा ईमेल के मार्फत से। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो यह है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा। हर ऑफिसर को यह पता है, यह मालूम रहेगा कि कोई रेफरेंस, कोई फाइल कहाँ पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, किसके पास पेंडिंग है और पेंडेंसी का कारण क्या है। दूसरी चीज, पब्लिक के लिए एक फास्टर डिस्पोजल मैकेनिज्म। अगर आज किसी चीज़ को डिस्पोज करने के लिए 10 दिन लगता है, तो ये नए सिस्टम के बाद उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल 50% कम लगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट का एक विजन है टू हैव बेटर एंड बेटर पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप, उसको भी यह ऐड करेगा। जब भी हमारे पास कोई पब्लिक आएगा तो कोई भी ऑफिसर अपने स्क्रीन को देखकर बता सकते हैं कि किस कारण से उसका फाइल पेंडेंसी है और उसको जल्दी कैसे से कैसे रिलीफ मिले। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी इनिशिएटिव जब हम लोग शुरू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ हिकअप्स, कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स होंगे, जिसके कारण हम लोग कमिश्नरेट ऑफिस में और बाकी सब जगह एक हेल्प डेस्क भी रखे हैं, जिसकी मदद से आने वाले 10-15 दिन में जो भी इनिशियल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे उसको दूर करने के लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। तो हमारे तरफ से आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं इस एक नए इनिशिएटिव को अपने तरफ से शुरू करेंगे। ये हम लोगों को पब्लिक के नज़दीक लाएगा, पब्लिक को हम लोग हमारे नज़दीक लाएगा और यह इट्स ए बिग स्टेप इन द जर्नी फॉर मेकिंग पुलिस मोर सिटीजन फ्रेंडली।